हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग. ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एमएल कॉन्वेंट ग्रुप ऑफ स्कूल. एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू आर टेक अप आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द राइटिंग सेक्शन, दैट इज द एडवर्टीजमेंट्स. फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट इन CBSE क्वेश्चन पेपर वी आर आस्क्ड वन शॉर्ट कंपोजिशन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ द टू गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. एंड द टू गिवन क्वेश्चंस आर फ्रॉम द वेरियस टॉपिक्स. आई मीन फोर टॉपिक्स आर देयर इन आवर सिलेबस फ्रॉम व्हिच इट इज सिलेक्टेड. One is the advertisement, notice writing, poster drafting, and invitation. Out of these four, two will be asked in the examination, and you are supposed to attempt any one. So we all know that it is asked in 4 marks. In today's class, we are going to take up the first chapter, that is the advertisements. We all are very well familiar with this term, advertisements. In newspaper or in television or in various magazines, you must have seen many advertisements and you must have gone to that. The very first and most important point that is right over here is, what is advertisement? Advertisement kya hai? So students, an advertisement is a public announcement made through a popular medium like newspaper, magazines, television, radio and the cinema. An advertisement may be displayed on a placard, bell. It is non-personal oral or visual message regarding a product, a service or an idea. So friends, in this way we have come to know that it is a short piece of composition in the form of a notice, picture or film. It is drafted mainly to inform people about a product, for the promotion of any product, any job or service. It is generally inserted in a newspaper or displayed on the TV. It is an effective means of promoting sales of goods. किसी भी सामान की बिक्री को बढ़ाने का एक अच्छा खासा माध्यम है एडवर्टाइजमेंट करना. सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस अराउज करने के लिए, इन सब के लिए ये एक बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रभावकारी, इफेक्टिव मीन्स है. इट्स मेन पर्पस इज टू पब्लिसाइज प्रोडक्ट्स, वैकेंसीज एंड सर्विसेज. Many advertisements contain a saying or quotation or slogan in order to attract the attention of the people. So this is the advertisement. After that, we are supposed to go, what is the purpose of an advertisement? So an advertisement attracts immediate attention of the people. Jo main purpose hota hai एडवर्टीजमेंट जो है कंपोज करने का, वो होता है पब्लिक का इमीडिएट अटेंशन अट्रैक्ट करना. बहुत ही पोटेंट टूल होता है सेल्स को प्रमोट करने का, सर्विस को प्रमोट करने का. इट इज यूज टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट एंड इवन मोटिव्स ऑफ द मासेस. स्टूडेंट्स, ये जो है इसका जो यूज होता है वो होता है कि जन साधारण के माइंड को, उनके टेस्ट को और इवन उनके मोटिव्स को
इन्फ्लुएंस करना, उनको प्रभावित करना, टेस्ट को चेंज कर देना, यही तो होता है। हम लोग भी यही करते हैं, नहीं हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं टेलीविज़न में इस चीज़ का और फिर हम यूज करते रहते हैं कुछ और फिर हमारे दिमाग में आता है नहीं यार चलो हम इस चीज़ को भी यूज करके देखते हैं। तो कहाँ से है ये बात? इट वॉज फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, एंड एडवर्टीजमेंट इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स, डोंट फॉरगेट इट। ये शब्दों का एक माया जाल है, एक प्ले है। इसलिए अगर हम एडवर्टीजमेंट्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमें शब्दों के चुनाव में बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही अट्रैक्टिव। वी आर सपोज टू सेलेक्ट अ वेरी अट्रैक्टिव वर्ड्स टू कैच द आई ऑफ द रीडर। मेन एम्स क्या होते हैं इसके? सो इट्स फर्स्ट एम इज टू आस्क फॉर सम सर्विस और ऑफरिंग वन सर्विस, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, हाउसहोल्ड आइटम्स एक्सेट्रा, अनाउंसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अनाउंसिंग एन इवेंट और गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट और फाउल्ड एक्सेट्रा। टू फुलफिल दीज ऑल एम्स दिस इज डन। फ्रेंड्स देर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, वन इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर इज कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, दैट इज द क्लासिफाइड वंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो वॉट आर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स और वाई डू वी कॉल देम क्लासिफाइड। आखिर हम इन एडवर्टीजमेंट्स को क्लासिफाइड क्यों बोलते हैं? तो एडवर्टीजमेंट्स विच आर क्लासिफाइड आर ब्रीफ, दे आर कॉल्ड क्लासिफाइड सिंपली बिकॉज दे आर ग्रुप्ड इन टू सेपरेट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत ही ब्रीफ होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इनका सब्जेक्ट मैटर होता है उस सब्जेक्ट मैटर के बेस पे इनको हम कई कैटेगरी में या कई क्लास में या कई ग्रुप में बांट देते हैं, इसीलिए ये क्लासिफाइड होते हैं, इसीलिए इनको क्लासिफाइड कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एम्स एट कन्वेइंग मैक्सिमम इन मिनिमम स्पेस। सबसे बड़ी बात बहुत ध्यान दे रही हूँ आप, कम से कम जगह में अधिक से अधिक बात कहना है, कम से कम वर्ड्स में अधिक से अधिक बात कहना है, कम से कम लाइन में, कम से कम कॉलम्स में अधिक से अधिक बात कहना है। तो ब्रीफ होना है, ब्रीफ वाइटल और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ब्रीफ होते हैं ये, वाइटल होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। इट इज़ कन्वेड इन कैची फ्रेजेस, इसमें फुल सेंटेंस नहीं लिखा जाता है बल्कि फ्रेजेस का यूज होता है, और वो जो फ्रेजेस होते हैं दे यूज टू बी वेरी कैची, बहुत ही कैची फ्रेजेस का प्रयोग होता है इसमें। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कोई चेक नहीं करता है। और यही नहीं, कंजंक्शन है, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, इनको प्रायः हम लोग अवॉइड कर देते हैं यहाँ पर। ये मेन बातें हैं इसकी। अब अगली बात ये है कि जैसा मैंने बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई मीन इन दिस लेक्चर ओनली, दैट क्लासिफाइड्स आर डिवाइडेड, आई मीन व्हेन द एडवर्टीजमेंट्स आर क्लासिफाइड इन वेरियस क्लासेस और वेरियस कैटेगरीज, दे आर नोन एज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। सो व्हाट आर दोज क्लासेस? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हियर वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट आर दोज क्लासेस। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सेल आर परचेज। इन सेल आर परचेज देयर आर वेरियस लाइक प्रॉपर्टी, मशीनरी।
earns in sale and purchase motor and vehicles, households. Next one is, next class is to let, accommodation wanted, lost and found, missing person or pets, matrimonial. And in matrimonial again there are two parts, bride wanted and bridegroom wanted, education, career guidance and counseling, beauty culture, obituary or memoriam, and appeal. So these all are the various classes or categories in which these, I mean the advertisements are classified. So all the advertisements that any newspaper get, they classify each and everything in these classes and keep them accordingly and publish them in these heads. Now the next point that is over here is to talk about the characteristics of classified advertisements. So the very first point, they are categorized into columns according to different classes. As I told you, the category is started at the top. The category is stated at the top. जब हम लिखते हैं इसका format, I mean advertisement के format का first part यही है, सबसे ऊपर जो है जो class है, जो category है, उसको हम mention कर देते हैं. They are written in short, catchy phrases and words. मैंने बात किया अभी, language simple होगी, factual होगी और formal होगी. They are short, concise and to the point. All the relevant information is provided. Contact name and address is given. They are written in a box to attract attention. ये सबसे बड़ी बात है कि इन्हें हम box के अंदर रखेंगे. अब हम एक एक करके जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब की बातें करेंगे. वी शैल टेक अप वन बाय वन ईच एंड एवरी, और बात करेंगे कि उनके वैल्यू पॉइंट्स क्या है, और हाँ फिर एक सैम्पल भी देखेंगे उसमें. सो सबसे पहला उसमें आता है, द वेरी फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टेक अप ओवर हियर इज द सिचुएशन वैकेंट. सिचुएशन वैकेंट ये जो है एडवर्टिजमेंट है क्लासिफाइड, जिसमें कोई कंपनी या कोई फर्म और एनी स्कूल और एनी यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन इसके माध्यम से अपने यहाँ के जो वैकेंसीज हैं उनको निकालती है. तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात जो पॉइंट्स हैं, पहली बात तो हम उसमें बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड, स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, मेंशन द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशंस की किन क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, एज, सेक्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए. ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर कुछ हैं, जैसे अभी कहते हैं कि कंप्यूटर एडुकेटेड को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ. फिर आफ्टर दैट वी आर सपोज टू मेंशन द पे स्केल एंड पर्क्स. पे स्केल क्या रखेंगे आप और पर्क्स क्या क्या मिलेंगे. प्रमोशन का क्या स्कोप है. एप्लीकेशन और इंटरव्यू का शेड्यूल क्या है. स्टेट द मोड ऑफ अप्लाइंग क्लियरली, और एट द एंड यू आर सपोज टू गिव द एड्रेस एंड फोन नंबर्स. ये सारे जो यहाँ वैल्यू पॉइंट दिए गए हैं, ये उसमें ऐड होने चाहिए इन दिस वे और दैट वे. सो स्टूडेंट लेट अस ट्राई टू टेक अप वन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वैकेंट. हियर इट इज वन, यू कैन फाइंड आउट एट द टॉप दैट इज द नेम ऑफ द कैटेगरी दैट इज द क्लास सिचुएशन वैकेंट. आफ्टर दैट वॉन्टेड अ सेल्स मैनेजर फॉर अ रिप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस इन फरीदाबाद, एम कॉम और एम बी ए विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, फिनेंस एंड
related commercial activities, age between 24 to 30, at least 2 years experience, salary commensurate with qualification and experience, apply to manager orient publishers 10 section 24 Faridabad within 10 days. So in this way, this is a sample, and you can find out that all these value points that I discussed have been included in this. One more sample that we can take up over here, it's also regarding situation vacant. Wanted a smart, well-educated lady with good knowledge of computer as front office assistant for a 5-star hotel, Imperial Gurgaon, Gurugram, graduation minimum qualification, good communication skills in English, essential, age between 25 to 30, must possess pleasing personality, previous experience added advantage, salary negotiable, send resume along with your latest photograph at, and after that you can find out here, mail ID has been given. So in this way, a situation vacant, when if you are asked to give or draft any advertisement for situation vacant, you are supposed to draft in this way. Now let us you can one thing more, आप देख सकते हैं कि इनको इसको सबसे पहले किस में रखा गया है, एक बॉक्स में रखा गया है, ये बॉक्स बना होना चाहिए, सबसे ऊपर जो कैटेगरी है, जो क्लास है वो होना चाहिए, और उसके बाद आप फ्रेजेस के माध्यम से कॉमा कॉमा करके सेंटेंस फॉर्म में नहीं, सेंटेंस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फुल सेंटेंस नहीं लिख सकते आप, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक एक वर्ड का पैसा लगता है, ठीक है, यहाँ पर हर एक वर्ड का पैसा लगता है, तो इसलिए आप जो है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, हम लोग जो है अब सिचुएशन वैकेंट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है सिचुएशन वांटेड। जैसे कि आपने देखा, सिचुएशन वैकेंट किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा था, ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा है। वहाँ पर वैकेंसी थी, यहाँ पे जो बंदा है या हर एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअल जो क्या है वो नौकरी खोज रहा है, तो नौकरी खोज रहा है, उसके पास एक्सपर्टीज है, उसे एक फर्म चाहिए, एक ऐसी कंपनी चाहिए जो उसको जॉब दे सके, तो वो भी इवन ही कैन गिव द मेक द एडवर्टीजमेंट। सो उसके लिए वैल्यू पॉइंट्स हैं, ही इज सपोज टू गिव हिज पर्सनल डेटा, एज, सेक्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, पोजीशन, एडेड क्वालिफिकेशन एंड अदर वैल्यूएबल ट्रेट्स। सेकेंड वैल्यू पॉइंट आर अदर वैल्यू पॉइंट्स, प्रेफरेंसेस, जॉब की नेचर है, प्लेस, लोकेलिटी, वर्किंग आवर्स, रेगुलर या पार्ट टाइम या कंट्रैक्चुअल, मिनिमम सैलरी जो आप एक्सेप्ट करेंगे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर्स, ये सारी वैल्यू पॉइंट्स हैं जो कि आपको देना है। एंड फॉर दिस, अगर आप एक सैम्पल के रूप में देखना चाहें, तो यहाँ पे एक हम आप देखिए बॉक्स में पड़ा हुआ है, हेडिंग है सिचुएशन वांटेड, आप देख सकते हैं, अ यूएस रिटर्न्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर विद एमएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन आईटी, सीक्स अ सुटेबल जॉब इन और अराउंड दिल्ली इन सम रिप्यूटेड आईटी फर्म, सैलरी एक्सपेक्टेड इज 60,000 पर मंथ, कॉन्टैक्ट विक्रम जैन, मोबाइल नंबर दिस। सो इन दिस वे this sample has been given for situation wanted. One more, services app of an honors graduate with specialization in medieval India, prepared to act as a tourist guide, are available, very well acquainted with places of historical interest in Delhi, Agra and Jaipur, emoluments expected rupees 10,000 per
and then contact number. In this way, this was the situation wanted. Students, all of you are required to suppose to note down all the value points and these sample advertisements. Now, the next category, the next class is toilet. The very first thing, toilet means kiraya par dena. आपके पास अगर कोई accommodation है जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं तो आप इसके लिए toilet का जो है advertisement display करते हैं. तो इसके लिए value points हैं, begin with available or wanted, state the type of accommodation to let or rent shop or house, facilities क्या क्या है, आप देखिए size, floor, number, फ्लोर और नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड बाथरूम्स, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, लोकेशन एंड सराउंडिंग, रेंट एक्सपेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर. दीज आर द फ्यू वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स दैट यू आर सपोज टू मेंशन ओवर देयर. एंड इफ यू आर आस्क्ड, दिस विल बी द here, this will be your sample advertisement. Here, available on rent, a newly constructed house, two bedrooms, drying lobby, etc. in Jayanagar, Bengaluru, park opposite, three side open, fully furnished, rent negotiable, contact Dr. Madan. This is the phone number and the time when you can contact. Here one thing can be done before it, I mean in the very beginning or at the top, just like you have seen in the earlier advertisements or samples, there were situation vacant or situation wanted. Here you can write to let. This category you should write before at the top. And then in this sample also, I forgot to mention the category. You should mention category to let at the top, and then you should start writing over here. Three bedroom house with attached bathrooms, spacious drawing room, kitchen in New Rajinder Nagar, New Delhi, available on rent, situated opposite municipal park, three side open, fully furnished, garage and small lawn, contact, this is the telephone number, after 10 AM, Gupta and Company, 55 New Rajinder Nagar, New Delhi. In this way you have seen this for advertisement, to let advertisement. After to let, the fourth category or the fourth class was the accommodation wanted. यस, एकोमोडेशन टू लेट में तो क्या था, टू लेट में आपने जो है आपके पास कमरा था या आपके पास एकोमोडेशन था, आपने अपना एकोमोडेशन किसी और को किराए पे दिया. एकोमोडेशन वांटेड में क्या होता है, इसमें आपके पास रूम नहीं है, आप रूम खोज रहे हैं, आप मकान खोज रहे हैं, आपको किराए पर अपने फर्म के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने पर्सनल रहने के लिए आपको क्या चाहिए, एक घर चाहिए या एक कमरा चाहिए या एक फ्लैट चाहिए. अब इसके लिए आप क्या क्या, इसके लिए क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स होंगे, सबसे पहली बात तो हमें देख लेते हैं कि इसके लिए आप वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या देंगे चाहेंगे. पहली बात, नेम ऑफ द पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन. क्या आपका क्या नाम है या आपके फर्म का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, वो पहले मेंशन करेंगे. सबसे ऊपर तो हम सब जानते हैं एकोमोडेशन वांटेड. जैसे अभी आपने देखा टू लेट वाले एग्जांपल में, हम जो है ऊपर टॉप पे टू लेट लिखना भूल गए थे. आप सभी वहाँ पे ऊपर सबसे पहले टू लेट लिख लीजिएगा दोनों में. इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट. So, first of all, name of the person, firm or organization. Then, type of accommodation, area, locality, situation.
आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, सेक्टर, कॉलोनी, प्रॉक्सिमिटी, किस एरिया में चाहिए, पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से आपको चाहिए मकान, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, रेंट पे लेना चाहेंगे या लीज पे लेना चाहेंगे, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दीज थ्री, फैसिलिटीज, पार्किंग, पेवमेंट, ओपन स्पेस, इन सब के बारे में आपको क्या क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ओके, और आपसे कॉन्टैक्ट करने का फ़ोन नंबर और एड्रेस क्या है, ये सारी बातें आपको एकोमोडेशन वांटेड के का जो ये आपका ऐड है इसमें दिखाना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, फॉर सैंपल ये है आपके पास एक सैंपल एडवर्टीजमेंट जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या लिखा है, एकोमोडेशन वांटेड, जो कि इसका हेडिंग जो कि इसका क्लास है या कैटेगरी है। अब इसमें देखिए, अ फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन जालंधर रिक्वायर्स ऑन रेंट अ 3-bedroom हाउस इन शक्ति नगर और ऊधम सिंह नगर, 24-hour वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी इसेंशियल, अ गैराज एंड सर्वेंट क्वार्टर अ मस्ट, कॉन्टैक्ट डॉक्टर बी के चुक बिटवीन 8 AM टू 9 PM एट फोन नंबर दिस। सो इन दिस वे यू कैन सी एवरीथिंग हैज बीन मेंशन एज पर द डेवलपमेंट्स। वन मोर यू कैन सी ओवर हियर, एकोमोडेशन वॉन्टेड वेरी एट वेरी फर्स्ट प्लेस, देन वॉन्टेड अ न्यूली बिल्ट हाउस इन 1500 square feet हैविंग अ 3 BHK विद अटैच बाथरूम्स, मॉड्यूलर किचन, स्पेसियस ड्राइंग रूम ऑन रेंट इन गार्डन कॉलोनी, सेक्टर 20 गुड़गांव, 24 hours वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी इसेंशियल, गैरेज एंड स्मॉल लॉन प्रेफर्ड, ओनर्स टू कॉन्टैक्ट बी के अग्रवाल आफ्टर 7 PM एट 65 सेक्टर 17 और कॉल एट दिस नंबर। इन दिस वे वी हैव सीन टू सैंपल्स फॉर एकोमोडेशन वॉन्टेड एड। द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज ओवर हियर इज सेल आर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। हियर देयर इज प्रॉपर्टी, देयर आर गुड्स, आई मीन हाउस होल्ड गुड्स, मोटर व्हीकल्स आर मशीनरी, देर आर कई कैटेगरीज, देर आर मैनी कैटेगरीज फॉर दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू पॉइंट्स फॉर दिस, इन जनरल वैसे तो तीन चीज़ें मैंने बताया, प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल एंड हाउस होल्ड गुड्स। जनरल में सब में आपको दिखाना है क्या क्या, पहली बात बिगिन विथ फॉर सेल और परचेस और अवेलेबल वॉन्टेड आप दिखा सकते हैं। फिर मेंशन द टाइप ऑफ एकोमोडेशन पब्लिक व्हीकल और हाउस होल्ड आइटम क्या है आपके पास वो बताएंगे। गिव अ ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, अब ये जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है ये हर एक के साथ अलग होगा, मतलब प्रॉपर्टी है तो डिफरेंट होगा और हाउस होल्ड गुड्स है तो अलग होगा, मोटर व्हीकल है तो अलग होगा। पहले हम फिर एंड विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर्स। चलिए हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के केस में स्पेसिफाई साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स, एरिया एंड स्क्वायर यार्ड्स, सिचुएशन कहाँ है, कॉर्नर प्लॉट है या पार्क फेसिंग है, नेम सोसाइटी, ये सोसाइटी कौन सी सोसाइटी में है, डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन सी है, कंडीशन ऑफ एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज कनेक्शन, मेंशन फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स, गिव द लोकेशन एंड सराउंडिंग, प्राइस एक्सपेक्टेड आर ऑफर्ड, ये सारी बातें कहाँ में आएंगी अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो। अगर आप व्हीकल से शो करना, अगर आप अपनी व्हीकल बेचना है या खरीदना है तो इन दैट केस स्टेट, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफाई द कंडीशन और माइलेज डन, गिव कलर एक्सेसरीज एट्सेट्रा एंड प्राइस एक्सपेक्टेड और ऑफर्ड। एंड इन द सेम वे इफ यू वांट टू परचेज हाउस
household goods, in that condition, the main fixture description will be mention brand, model, year of manufacturing. Specify material in case of furniture. Give the present condition, craftsmanship, reason for selling, quote price are offered, expected. So in this way, here we can we may have examples for this. I mean sample advertisements you can see over here. It is in case of motorbike for sale. Here you can see very in very clear way this heading has been given, motorbike for sale, red colored Honda motorbike, 2016 model, in excellent condition, fitted with J&K tires, available for sale, 25,108 kilometer done on city roads, fully insured, requisite papers, self-driven, accident-free, contact Rakesh Kumar, 507 Civil Lines, Ludhiana, between 6 p.m. to 8 p.m. and then phone number. It was for the motorbike. Another is for the cake. One more example is regarding car for sale. Available for sale, grey colored Verna model 2016, sparingly used, excellent condition, fitted with good stereo system, new tires, alloy wheels, single hand driven, price expected 5 lakhs, contact Naresh Luthra, 4A sector 16, Panchkula, or call on this number. This was what you can see, sample for sale and purchase. One more examples you can see, that is regarding household goods. This is a sample household goods for sale. You can see over here, it is given and on the top, carefully handled and used household goods in excellent condition for immediate sale in Chandigarh, 2 teak beds, 1 5-seater sofa set, 1 3-seater sofa set, dining table, AC, washing machine, gas burner at reasonable prices. Buy all items are individual items. Owner going abroad, goods can be inspected, contact, phone number and time also has been given. This. And next one is furniture for sale. A 6-seater sofa set with a central table, dining table with 6 chairs, dressing table, available for immediate sale. Well maintained and varnished. The owner going abroad, price negotiable, contact on this number, on this phone number, between 9 a.m. to 1 p.m. These are the sample you can see for the sale or purchase of the household goods. Students, there is one more category in the sale and purchase, and that is the machinery for sale. In this, the main value points are, first of all, type of machinery, industrial or agriculture, list of machinery, model or year of manufacturing, condition of machinery, condition of machinery, company trained mechanics, supervision, qualified engineers, experienced technicians, reason for selling, contact address and telephone number. So these are the value points that are supposed in case of machinery for sale. So here is the sample, sample of this category of advertisement. At the top you can find out machinery for sale. Then complete machinery used in manufacturing welding rods of different types, available for sale. Main machine of Alpha brand, bought from the company 3 years ago, used under the supervision of company trained engineer, selling as the owner going abroad, price negotiable, early sale, contact RK Sharma at this to fix up meeting for inspection. Another example for this is machinery for sale. Complete machinery used in manufacturing t-shirts,
स्पोर्ट्स किट्स, जॉगिंग ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, कैप्स एट्सेट्रा अवेलेबल फॉर सेल. स्टिचिंग मशीन्स एंड प्रेसेस इन एक्सलेंट कंडीशन. बॉट 10 months ago from USA Machines. Skilled technicians operated the machines. Selling due to shortage of funds. Price negotiable. Early sale. Contact RC Kapoor at this phone number to fix up meeting for inspection. In this way, friends, we have tried to complete this classified adjustments till sale and purchase. The further the categories will be covered in the next video. For today, that's all. Thank you. Have a nice day. Try to complete all the homeworks and the other works that will be given later on. Thank you. Have a nice day.